हेलो रेडमी नोट 7 प्रो यूजर्स, क्या हाल चाल है आपके। एक लंबे अरसे के बाद मैं आपको अगेन, जी हाँ वंस अगेन, यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस का पोर्ट रूम लेकर आया हूँ, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल, काफी मोस्ट पॉपुलर और काफी ज्यादा डिमांडिंग रूम है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना ज्यादा स्टेबल है, क्या क्या चीज इसमें वर्किंग मिलती है, साथ ही साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है हमारे Redmi Note 7 Pro के अंदर। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को इनेबल, ताकि नेक्स्ट टाइम की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आती है, इन्फो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। और कोई भी डाउट्स वगैरह या कोई भी राय है, सजेशन है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अबाउट में देखने को मिलता है डिवाइस नेम, जो कि OnePlus 7 का है। यहाँ पे पोस्टेड बाय का नेम देखने को मिल जाता है। पूरी डिटेल्स हमारे Redmi Note 7 Pro का मिल जाता है। Android Pie के ऊपर ये बेस्ड हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ये अल्फा दिया गया देख सकते हो, वायलेट ऑक्सीजन ओएस पाई अल्फा, जो कि काफी ज्यादा मुझे स्टेबल लगा है। ऑक्सीजन का जो वर्जन है वो है 9.0.9। अगर हम इसके डिटेल्स के ऊपर आते हैं तो इस तरह के डिटेल मिल जाता है, जो कि अजूरी करके कुछ नाम है किरनेल का, वो यहाँ पे यूज किया गया है। और क्या क्या परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। आगे की ओर आते हैं सिस्टम में, यहाँ पे सिस्टम अपडेटर सिर्फ और सिर्फ OnePlus 6 के लिए वर्केबल है, हमारे लिए नहीं है। मल्टी यूजर का अकाउंट काम करता है, यहाँ पे इम्प्रूव परफॉर्मेंस की भी सेटिंग्स मिल जाती है, टाइम एंड डेट, एसेसिबिलिटी वगैरह देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर आपको मिल जाता है लैंडस्केप में रिप्लाई, जो कि वर्केबल है, और साथ साथ एप्स लॉक, पैरेलल और गेमिंग, ये भी है जो यहाँ पे हमारा काम करता है। उसके बाद अगर हम आई की ओर स्विच करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट के ऊपर, तो हमारा फिंगरप्रिंट का रिस्पांस भी काफी बेटर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो फिंगरप्रिंट का रिस्पांस काफी बेटर है, और साथ साथ हमारे फेस अनलॉक का भी रिस्पांस हमें काफी बेटर देखने को मिल जाता है। लेकिन फेस अनलॉकिंग के लिए आपको स्मार्ट लॉक यूज करना पड़ेगा, ना कि इसका डिफॉल्ट फेस अनलॉकिंग। अगर आप डिफॉल्ट को ऑन कर देते हो बाय मिस्टेक, तो हमारे यहाँ पे स्मार्ट लॉक का फेस अनलॉक डिसेबल हो जाएगा, फिर से आपको रोम वगैरह फ्लैश करनी पड़ जाएगी। तो आपको इस फेस अनलॉक का नहीं, स्मार्ट लॉक के फेस अनलॉक फेस आईडी का यूज करना है। फिंगरप्रिंट परफेक्ट वर्किंग है, कोई भी सुझाव आपको फिंगरप्रिंट में देखने को नहीं मिलता है, ना ही फेस अनलॉकिंग में। बैटरी की डिटेल कुछ खास मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट अगर मैं लॉन्गर यूज करता हूँ तो इसकी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम के अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आते लॉन्ग प्रेस टेक फोटो मिल जाता है, यहाँ पे जेस्चर्स मिल जाता है क्विक का, जो कि म्यूट और फिंगरप्रिंट और आंसर कॉल डबल टैप, ये सारी चीज आपको जो वर्केबल मिल जाती है। नेप बार के ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो ओरियो का लेआउट, पाई का लेआउट, या ऑक्सीजन वाइस का जो बेस्ट सेटिंग फीचर्स वाला है वो आप यहाँ पे इनेबल कर पाओगे। लेकिन आप ओरियो या पाई पे रखते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग्स ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप स्वाइप कर सकते हो, हाइड कर सकते हो नेप बार को, और साथ साथ कुछ एक्शन भी यहाँ पे आप सेट कर पाओगे इन बटन के ऊपर। बट इसमें देखने के बाद डिस्प्ले कुछ लार्ज हो जाती है और काफी बेटर है जो दिखाई देता है, तो मैं अभी फिलहाल यही यूज कर रहा हूँ। बैक की ओर चलते हैं साउंड्स के ऊपर, तो आपको ऑक्सीजन के सारे साउंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके जो टचिंग के साउंड्स है और बाकी चीजें, ये मुझे काफी ज्यादा बेटर लगता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। यहाँ पे रिंगटोन्स वगैरह है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। और बैक की ओर चलते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे एप्स डिस्प्ले, जिसमें अडेप्टिव ब्राइटनेस ये काम करता है हमारा अच्छे तरीके से। नाइट लाइट और रीडिंग मोड भी हमारा जो वर्केबल है, कोई भी इशूज या कमी इसमें देखने को हमें नहीं मिलता है। रीडिंग मोड है, यहाँ पे कलर कॉलिब्रेशन है, जो कि मुझे खास फर्क पता नहीं चलता है जब तक मैं इसे कस्टम पे डाक के कलर को चेंज ना करूं। तो यहाँ पे अगर आप देख लेना आपको फर्क पता चलता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कस्टम पे वो भी मैनुअली चेंज करने पे ही दिखाई देता है फर्क, बाकी इन पे दिखाई नहीं देता है, हल्का सा चेंज होता है इसलिए पता नहीं चल पाता है। नॉच का बिहेवियर जो मैंने हाइड कर रखा है, तो आप चाहो तो फुल रख सकते हो या फिर हाइड कर सकते हो, मुझे हाइड पे ज्यादा बेटर लगता है इसलिए मैंने हाइड कर रखा था। तो ये तो अपने अपने यूजर एक्सपीरियंस की बातें हैं कि कौन सा सेटिंग्स मुझे ज्यादा पसंद है। डिस्प्ले में आपको फुल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपका फुल सेटिंग्स ओपन होगा नॉच के एरिया में भी, तो ये आप सेटिंग कर पाओगे। एम्बिएंट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि वर्केबल है, तो आप फ्लिप वगैरह करोगे तो आपको जो एम्बिएंट वर्केबल मिलता है 100%, जो कि काफी अच्छा है जो लुक, यानी लेआउट है जो दिखाई देता है। तो इतने सारे क्लॉक है, जो कि 4 क्लॉक मिलते हैं ऑक्सीजन की ओर से, तो उनमें से आप किसी का यूज कर सकते हो। वॉलपेपर भी कई सारे दिए गए हैं, तो मैं अभी लास्ट वाला वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ, आप मल्टी यूज कर लो या फिर आप अलग से डाल लो। यहाँ पर डार्क या कलरफुल या लाइट, तीनों थीम वर्केबल है, मैंने टेस्ट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कलर मैंने अभी रेड सेट कर रखा है। नोटिफिकेशन है, फॉन्ट्स आपको वही 2 फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं ऑक्सीजन में, तो कोई एक फॉन्ट आप चाहो तो यूज कर सकते हो। डिस्प्ले साइज, स्टेटस बार में आपको जो परसेंटेज और बैटरी और आइकन वगैरह देखने को मिल जाता है। ऑटो रोटेशन और स्क्रीन सेवर भी यहाँ पे
मिलता है। यहाँ पर मैं फिलहाल अभी ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ, तो ब्लूटूथ में कोई भी कमी देखने को नहीं लगी है, चाहे वो कॉलिंग के लिए हो या फिर म्यूजिक लिसन करने के लिए हो। तो यहाँ पे ब्लूटूथ प्रॉपर तरीके से हमारा काम करता है विदाउट किसी सिंगल इशूज के। सो आप यहाँ पे देख पाओगे, अभी मैं हेडफोन पे डाल रखा हूँ, अगर मैं स्पीकर पे डालता हूँ तो स्पीकर पे भी आ जाता है, फोन पे भी आता है और ब्लूटूथ के ऊपर भी आता है। तो ब्लूटूथ 100% फिक्स है, कोई भी इशूज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब आई की ओर चलते हैं बाकी अदर सेटिंग्स के ऊपर, तो उसके लिए हम आते हैं फिर से सेटिंग्स में। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई भी यूज किया है और हॉटस्पॉट भी यूज किया है, इनमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है। तो वाईफाई हॉटस्पॉट जियो भी वर्केबल है, बट यहाँ पे जियो से आप वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि वीडियो कॉल का बग है। तो आप सिर्फ ऑडियो कॉल कर पाओगे, वीडियो कॉल आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक किया था, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बट आप व्हाट्सएप वगैरह जो थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके वीडियो कॉल कर पाओगे। और जो इसका डिफॉल्ट ऑक्सीजन और इसका कैमरा दिया गया है ये भी फुल्ली वर्केबल है, और इसमें पोर्ट्रेट साइड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जी हाँ, तो आप टाइम लैप यूज कर पाओगे, स्लो मोशन भी वर्किंग है आपका, प्रो मोड भी यहाँ पे आपको वर्किंग है और पैनोरमा भी वर्किंग है। तो यहाँ पे क्रैशिंग वगैरह जो सब कुछ फिक्स कर दिया गया है, तो कोई भी इशूज आपको देखने को नहीं मिलता है कैमरा से रिलेटेड, बट यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे पिक्सल 7 का है जो कैमरा यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया था, तो उस वीडियो को वॉच कर लेना। या आप चाहो तो पिक्सल जो 6.2 है उसका आप यूज कर पाओगे, तो इसके ऊपर भी मैंने बेस्ट सेटिंग की भी वीडियो दे रखी है। तो आप दोनों में से किसी एक का जो यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। ओके, यहाँ पे बैंकिंग ऐप भी काम कर रहे हैं, मैंने टेस्ट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। पबजी भी आप यहाँ पे प्ले कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं आता है। रही बात DRM इन्फो के L1 के सपोर्ट की बात, तो यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिला है। इस पोर्ट रोम के ऊपर की L1 का सपोर्ट है जो हमें प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके Antutu के स्कोर की, तो मैंने Antutu का स्कोर जो ओल्ड था 7.1.2 चल रहा था उस पर चेक किया था, तो मुझे स्कोर मिला था 18 समथिंग का, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। और मैंने इसे अपडेट किया है जो कि करीब 600 के आसपास का अपडेट आ गया है, तो काफी ज्यादा हैवी हो गया है Antutu का स्कोर, जिसपे मुझे स्कोर देखने को मिला है 217653 का। जी हाँ, ये लेटेस्ट है V8.0.2 OB, इस पे हमें स्कोर मिलता है 21 का, जबकि ओल्ड वाला Antutu का स्कोर है उस पे हमें देखने को मिल जाता है 18 का। तो दोनों के अनुसार परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी बेटर है। और बैटरी बैकअप की बात की जाए तो मैंने अभी टेस्ट किया नहीं है उतना लॉन्गर, तो जब भी मैं इसे अगर यूज करता हूँ लॉन्गर तो मैं आपको जो फुल्ली डिटेल है जो प्रोवाइड कर दूंगा कि हमें क्या बैटरी बैकअप देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको वीडियोज वगैरह मिल सके और बैटरी की डिटेल्स वगैरह मिल सके। यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी वर्केबल है, कोई भी इशू आपको स्क्रीन रिकॉर्डर में देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं इसके फ्लैशिंग मेथड के ऊपर कि हमें इसे फ्लैश कैसे करना है। ठीक है, तो स्विच करते हैं हम TWRP की ओर, और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इतना इन्फो अच्छा लगा है तो फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ बने रहे ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग रोम्स की रिव्यू लेकर आता रहूं। अभी मैंने इसे रीस्टार्ट किया है बट ये सीधा ऑफ हो गया क्योंकि यहाँ पे रीस्टार्ट का बग है। अगर आप इस रोम को यूज करते हुए रीस्टार्ट करोगे तो आपका फोन ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, आपको मैनुअली फिर से पावर बटन का यूज करके ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं TWRP को ओपन करता हूँ पावर बटन और वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करके, अदरवाइज मैं हमेशा यूज करता हूँ रीस्टार्ट का ऑप्शन और वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करता हूँ ताकि हमारा फोन ऑन हो जाए और डायरेक्ट ओपन हो TWRP में। तो मैं ये मेथड ओपन करने के लिए फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा TWRP आ चुका है, आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स वगैरह यूज कर सकते हो, जो भी TWRP यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हो गया है। उसके बाद आपको आना है वाइप के ऊपर, एडवांस वाइप पे जाना है, डेलवी कैश सिस्टम वेंडर सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्वाइप करके वाइप कर देना है। कंप्लीट वाइप हो जाने के बाद आपको होम पे आना है, इंस्टॉल के बटन पे जाना है, जहां पे भी आपने फाइल को रखा है वहां पे आपको ब्राउज करना है। तो मैंने जो SD कार्ड का यूज किया है ये रहा वोल्टी ऑक्सीजन जो कि मैंने शो किया था, स्टेबल बिल्ड है। उसके बाद आपको एड मोड जिप पे क्लिक करके आप जो यहाँ पे DM डिसेबलर जो फोर्स इंक्रिप्शन है इसका यूज कर सकते हो ताकि आपका इंटरनल जो डेटा है वो डिक्रिप्ट इंक्रिप्ट वगैरह वाला प्रॉब्लम देखने को ना मिले, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मेट करके भी इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे इसके कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट जो यहाँ पे वाइप डेलवे कैच करना है और रिबूट के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पैचेज वगैरह है जो नहीं है, तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इसके पहले भी एक ऑक्सीजन वॉइस का अपडेट आया था जो कि बहुत सारे यूजर्स को बूट लूप दे रहा था या फिर जो डिस्ट्रॉय सिस्टम का इशू दे रहा था, बट इसके अंदर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि पिछली बार मुझे भी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने वीडियो आपको नहीं दे पाया था, बट यहाँ पे ये फुल्ली स्टेबल है और बिल्कुल ही इजी सा स्टेप है इसे फाइनलाइज करने के लिए। और कुछ भी अलग से पैचेज या फिर आपको गोल अपडेट वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको फ्लैश करना है और अपने जीमेल वगैरह को सेटअप करके यूज कर लेना है और ऑल एवरीथिंग है जो वर्किंग है और बेटर परफॉर्मेंस भी मिलता है। तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसे यूज करना चाहते हो या फिर अभी यूज नहीं करोगे, आप इसे अदर रूम का वेट कर रहे हो, तो ये भी चीजें मुझे जरूर बता के जाना वीडियो में। और हो सके तो शेयर जरूर कर लेना अपने Redmi Note 7 Pro US के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास और स्पेशल लेकर, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, बाय बाय।